बस्ती में नगर विकास कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश यूनियन के जिलाध्यक्ष मोहम्मद वसीम ने बताया कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का 10 माह का वेतन और सरकारी और संविदा कर्मचारियों का वेतन ना मिलने के कारण 21/11/2023 से धरने पर बैठे हुए हैं। जिलाध्यक्ष मोहम्मद वसीम ने बताया कि नगर पालिका परिषद बस्ती में दिनांक 1/11/2023 से वित्तीय आहरण वितरण अधिकार सम्मान अधिशासी अधिकारी ना होने के कारण अभी तक वेतन पेंशन आदि का भुगतान नहीं किया गया है। मैं उत्तर प्रदेश से सफाई मजदूर का उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम लैस मोहम्मद है और मैं आए दिन देख रहा हूँ करीब 6 साल से नगर पालिका विहीन है और अभी तो नगर पालिका विहीन था, आज शासी अधिकारी विहीन हो गया है। यहाँ तक कि हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं 8 महीने से वेतन नहीं पा रहे हैं। हमारे परमानेंट कर्मचारी हैं वेतन के अभाव में आज सड़क पे आ गए हैं और ये मैं समझता हूँ कि प्रशासन से लेकर के शासन तक एकदम नज़रअंदाज कर रहे हैं बस्ती को। कर्मचारी कब तक ये शोषण सहता रहेगा? देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।